उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मोंडा पांडे में कोहरा और ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या इंसान क्या जानवर, हर कोई ठंड के मारे परेशान। पहले से पड़ रही कड़ाके की ठंड से जूझ रहे लोगों के ऊपर भयंकर कोहरा आफत बनकर टूट रहा है। वहीं आपको बता दें, अगर बात करें मोंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की, जहां पर आज यहाँ सुबह से ही भयंकर कोहरा है, लोगों का सड़क पर कोहरे की वजह से बेहाल चलना हो गया है। मेरा नाम मोहम्मद हारून। अगर हारून जी, किस तरह का मौसम है आज, क्या लग रहा है कि ठंड इसी तरह रहेगी, ठंड लग रही है? बस ठंड से तो आम आदमी बिल्कुल परेशान है, और अगर कमाने के लिए शहर भी जाना चाह रहा है तो वो पहली बात तो जा नहीं पा रहा है, अगर जाता भी है तो रास्तों में अगर कहीं आग देख ली जाती है तो उससे आग सेक करके फिर जाता है, और जैसे तैसे करके मुरादाबाद पहुँचता है, और फिर शाम को वापस आने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा, जैसे कि हर जगह सरकार द्वारा और ब्लॉक द्वारा, पंचायतों द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, क्या आपके किराए पर भी सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था है इस तरीके की? इस तरह की अभी तो कोई अलाव की व्यवस्था देखी नहीं है, बल्कि होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि जो आदमी मोटरसाइकिल पर चल के, साइकिल पर चल के मुरादाबाद से आ रहा है, तो इतनी व्यवस्था हो कि दलपतपुर चौराहे पर हमारे 2-3 जगह जो है वो अलाव लगा लिए जाएँ, जिससे कि वो कुछ राहत महसूस कर सकें। अच्छा, क्या इसी तरह लगता है, इसी तरह ठंड रही तो बेरोजगारों को भी कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई कि आप जब जो गरीब आदमी है, जो रोजी रोटी के लिए अपने शहर जाता है या खेतों में जाता है, वहाँ जा नहीं पा रहा, अगर जा रहा है तो वो ठिठुरन इतनी है कि उसका खून भी सिकुड़ने जाने तैयार है, तो कैसे जाएगा वो? क्या हाईवे पर जिस तरीके से कोहरा आया, क्या हाईवे पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा? हाईवे पर ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक का पहिया जाम हो चुका है। ट्रैफिक चलता है तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है, जिसकी वजह से बेचारे सारे जाम पड़े हुए हैं, जहाँ तहाँ रुके हुए हैं। ये सब लोग घर पे बैठने पे मजबूर है, इस तरह का मौसम है आज, क्या लगता है? घर पे बैठने पे मजबूर इसलिए है कि अगर बाहर निकल रहे हैं, हवा इतनी तेज है कि बस सिर में घुस जा रही है, जिसकी वजह से बीमार हो रहा है आदमी, और जब बीमार हो रहा है तो इससे अच्छा अपने घर में 300 रुपये कमाएगा, 400 रुपये लगाएगा, तो उससे क्या फ़ायदा।